विशाल क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। मध्य प्रदेश इस भारत देश का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो पूरी दुनिया में झीलों के शहर के नाम से पहचाना जाता है, ये एक स्वस्थ आबादी वाला शहर है। भोपाल की कनेक्टिविटी देश के सभी महानगरों से है, इसीलिए देशी और विदेशी छात्र छात्राओं के लिए ये शहर शैक्षणिक दृष्टि से बेहद अनुकूल और सुविधाजनक है। आरकेडीएफ विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा की गई है। वर्ष 2012 में स्थापित ये विश्वविद्यालय 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आरकेडीएफ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक विश्वसनीय संस्थान बन गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अकादमिक वातावरण के कारण वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह शिक्षा के साथ राष्ट्र का विकास है, जो देश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को रेखांकित करता है। विश्वविद्यालय की कमान हमेशा योग्य और प्रतिभाशाली कर्मियों के हाथों में रही है। प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के विकास का निर्णय करने हेतु प्रोफेसर पंजाब सिंह पूर्व कुलपति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन किया गया है। अच्छी तरह की शिक्षा प्रोवाइड करना, जिसे कहते हैं क्वालिटी, गुणवत्ता सहित एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट करना, शिक्षा की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। जो हमारे जो जिस तरह की हमारी शिक्षा प्रणाली हो, पद्धति हो, उससे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स निकल के आए वो इतना कॉम्पिटेंट हो, इतना कॉन्फिडेंट हो, अपनी जीविका को चला सके, बल्कि इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे जिसमें लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। विश्वविद्यालय भाग्यशाली है जहाँ कुलपति के पद पर प्रोफेसर वी के सेठी हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही प्रयत्नशील है कि ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बने। शोध सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हम पूरी तरह कार्यरत हैं। हमारे कोलैबोरेशंस हैं बहुत सी विश्वविद्यालयों के साथ में, इंग्लैंड के विश्वविद्यालय के साथ में, अमेरिका के आरपीआई यूनिवर्सिटी के साथ में, जिसमें हम सौर ऊर्जा पे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 16,000 से अधिक छात्र हैं, जो देश के सभी हिस्सों और विदेशों से आते हैं। ये इंजीनियरिंग, एमटेक, वीएलएसआई, डिजाइन पावर सिस्टम, फार्मेसी, जीव विज्ञान, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून, कृषि, वाणिज्य, प्रबंधन, उद्यमिता विकास, आर्किटेक्चर, होम्योपैथी, नर्सिंग शिक्षा, कंप्यूटर अनुप्रयोग, एमफिल एवं पीएचडी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो कि यूजीसी एआईसीटीई, एनसीटीई, सीओए, वीसीआई, मध्य प्रदेश सरकार, विभिन्न नियामकों निकायों और अन्य सरकारी निकायों से मान्यता प्राप्त है। कई फैकल्टी सदस्य जो कि आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवा उपरांत आरकेडीएफ विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्रों हेतु एक अलग सेल है, जहां उन्हें अपनी परेशानियों, प्रश्नों के निवारण हेतु विशेष ध्यान मिलता है। विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट मौजूदा सुविधाएं हैं, इंटरनेट, वाईफाई और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। विश्वविद्यालय में 25 पुस्तकालय एवं एक केंद्रीय पुस्तकालय है, जिनमें करीब 2,00,000 पुस्तकें हैं, जहां छात्रों को अपने विषय विशेष को समझने जानने का सही माध्यम मिलता है। 3 खेल के मैदान, खेल को सुविधाओं में मुख्यतः क्रिकेट, फुटबॉल आदि शामिल हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक सभागार,
छात्रावास सुविधाएं हैं, छात्रों को मेस सुविधा प्रदान की है, जहां उन्हें स्वच्छ भोजन मिलता है। अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे बैंक, एटीएम, स्टाफ क्वार्टर, कैंटीन आदि सम्मिलित हैं। परिसर स्वच्छ चौड़ा छात्रों के परिवहन हेतु 35 बसों की सुविधाएं प्रदान की हैं। विश्वविद्यालय के हरियालित परिसर में स्थापित 100 KV सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा अक्षय ऊर्जा के स्थायी विकास का अनुसरण करता है। वर्ष 2012 में खोज और अनुसंधान युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने छात्रों को संबोधित किया और उन्हें जीवन में सफल होने के मंत्र दिए। पूर्व मानव संसाधन मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी, UGC के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश, बॉलीवुड स्टार माधुरी दीक्षित, क्रिकेटर सुरेश रैना, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्ति विश्वविद्यालय में आए और छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस तरह RKDF विश्वविद्यालय राज्य और देश के आधुनिक और उच्च विश्वविद्यालयों में से एक है। RKDF University, a world-class university. Education glorifies nation.